आगामी दीपावली पर्व को लेकर बड़वानी पुलिस सख्त नजर आ रही है और अवैध पटाखे बनाने और विक्रय करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने एक घर में दबिश देते हुए बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। दरअसल बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने अवैध पटाखे विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं। इसी को लेकर बड़वानी टीआई राजेश यादव की टीम लगातार कार्रवाई करने में लगी है। मंगलवार को मुखबिर की सूचना के आधार पर एसआई लखन सिंह बघेल ने उनकी टीम ने पाला बाजार में एक घर में दबिश दी, जहां यशवंत पिता शांतिलाल सुल्ताने बिना लाइसेंस के फटाके विक्रय कर रहा था। पुलिस ने इस दौरान 7 कार्टून फटाके पकड़े, जिसमें 400 से 500 पैकेट फटाके मिले। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए विस्फोटक अधिनियम व अन्य धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। यह स्पष्ट है, एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवैध फटाके या अवैध हिंगोट रखेगा, बनाएगा, बेचेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर के निर्देश के पालन में आज जो है एक एसआई लखन बघेल और टीम जो है मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पाला बाजार में यशवंत पिता शांतिलाल सुल्तान ने जो है पाला बाजार में अपने घरों में काफ़ी मात्रा में फटाके रखे हुए। उस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस मौके पर पहुंची और जब वहाँ पुलिस चेकिंग की तो किसी प्रकार का कोई इनके पास लाइसेंस होना नहीं पाया गया और इस प्रकार से कुल 7 कार्टून फटाके के होंगे, जिसमें करीब 400 से 500 पैकेट फटाके हैं। ये सभी फटाके बिगैर लाइसेंस के होने से, घर में होने से, और वहाँ आबादी वाला इलाका है, कोई भी गंभीर घटना भी घटित हो सकती है, उसको देखते हुए तत्काल इसको जो है जब्त कर लिए गए हैं और इसमें प्रकरण विस्फोटक अधिनियम और आईपीसी की धारा के तहत पंजीबद्ध किया है और इसमें आगे विवेचना की जा रही है। बड़वानी से रजनीश हनेचा की रिपोर्ट।